गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक एक नए ब्लॉग में। मैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूबर हूँ ना। तो अभी क्या करने वाला हूँ, आज है हमारा क्रिकेट मैच और अभी मैं क्रिकेट मैच खेलने जाऊँगा। लेकिन गुग्गू सुबह सुबह उठ गई तो फिर पूनम मुझसे देख रही है और मुझे ब्रेकफास्ट खुद रेडी करना पड़ रहा है। आई हैव मेस्ड अप एवरीथिंग। दूध गर्म हो चुका है, चीज़ स्लाइस डाल के सैंडविचेस बनाए जा रहे हैं। इसको साइड करो, ये काम का। अभी मैं बहुत मल्टी टैलेंटेड हूँ यार, सब काम कर लेता हूँ मैं। मैं वो वाला पति हूँ जो 16 सोमवार के व्रत रखने के बाद मिलता है ना। ये आ गया मेरे कप में, डन। बादाम भी है यार, जिसकी शादी होगी ना उसको बादाम खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो वैसे ही समझदार हो गया बेचारा। हम तैयार हैं और गुड मॉर्निंग। कितनी चमकती हो यार सुबह सुबह भी तुम, वाह। आज हम क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हैं, कुछ कहना चाहोगी मेरे लिए? अच्छा चलता हूँ। ओके रामू, कूड़ा अच्छे से फेंकना डस्टबिन में। और मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, सोच लो ये लेके, क्योंकि कूड़े वाला गाड़ी वाला आए घर से कचरा निकाल, आ ही नहीं रहा। आता है पर हमें सुनाई नहीं देता। तो बह रही हो तुम, गुगु की पोएम लगी होती ना। बाय। क्या हुआ? बाय बाय। अभी रेडी हैं हम जाने के लिए। कल सोचा था कि इस प्लाट की सफाई करवाएंगे, एक मजदूर लेके आएंगे, लेकिन सामने अंश रहता, अभी उठा ही नहीं है, इसने जाना था मेरे साथ। अंश देख ले, तेरी वजह से हुआ है, अदरवाइज मैं तो रेडी था। वो माता पधारे हैं हमारे पास सुबह सुबह। रुक जाओ एक मिनट, रुक जाओ बस। हाँ एक मिनट बस, जल्दी करो, वो वेट कर रहे हैं यार। माता ये लो। जय 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 हो। सो अभी पहले चल के कूड़ा फेंकेंगे और फिर चलेंगे स्ट्रेट वे ग्राउंड में, जो कि मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मुझे पता आप लोग गुगू को ही देखने में इंटरेस्टेड हो, तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, अपना फन थोड़ी ना करना छोड़ दूंगा मैं। फिर उसके बाद मिलूंगा अभी, ठीक है, चलो बाय बाय टाटा। डस्टबिन भी देखना अभी कि कहाँ फेंका कूड़ा। चलो फिर, चलो दिखा देता हूँ। लो जी, लो फिर कूड़े का काम हो चुका है दोस्तों। अभी हम कूड़े का काम इस तरह से हुआ कि नगर निगम की एक गाड़ी जा रही थी, मैंने उसे पूछा, खाली थी बिल्कुल, मैंने उसे पूछा भैया रख सकते हैं क्या? कह रहे सर बिल्कुल प्लीज। मैंने कहा यार इतने प्यार से बेंगलोर में था ना कूड़े वाला, बस अब इतना रूड था ना, मुझे लगता था जैसे घर पे लड़के आया हुआ सुबह सुबह। यहाँ के लोगों की एक सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है, बाकी मुझे नहीं पता, मेरा कोई ऐसा कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ नहीं यूपी वालों। तो मैच एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीत के घर लौटते हुए हम विजयी भव बोला था गुगु ने, और सच में जीत गए। अभी जाएंगे शहर की तरफ क्योंकि मुझे गाड़ी के अलाइनमेंट का काम करवाना थोड़ा। अरे अंश कहाँ था यार सुबह तू? मैं देखता रहा यहाँ से, काफी देर देखता रहा मैं तुम्हें। अरे आपको ये फोन करना था तो मैं जागा ना, मुझे लगा तू उठा नहीं, तेरे घर वाले थे बाहर, लेकिन मुझे लगा तू उठा नहीं होगा अभी। ओहो मैं देखते देखते गया, मैं 7:30-8 बजे निकल गया था। क्या हो रहा है ये? ले भाई पूरे पूरे मजे लिए जा रहे हैं। हाँ पूरे पूरे मजे लिए जा रहे हैं दोस्तों। मेरे सारे बटन चढ़ चुके हैं इनकी वजह से, एक बाकी है इसको भी चढ़ा रहे हैं। गाड़ी चला रहे हैं, बटन खोल के जाते हैं। चल बाय बाय, लेट हो रहा। बाय। वॉशिंग वाले की कॉल आई कि भैया जल्दी आ जाओ, नहीं तो किसी और ने गाड़ी लगा दी तो फिर आपका नंबर फिर कट जाएगा। सो अभी जल्दी जल्दी पहले कार वॉश करवाएंगे और उसके बाद जाएंगे शहर की तरफ। गाड़ी आज नए वाले के पास धुलवाई जा रही है, यहाँ बैठने का भी सिस्टम है, उधर तो दूसरे वाले के पास बैठने का भी कुछ नहीं होता था, और यहाँ गाड़ी के लिए भी प्रॉपर इन्होंने छत वगैरह बना रखी है। वो सामने डिजायर वाला आया और मुझे कहता भैया कितने पैसे लोग रहे गाड़ी में लेंगे? मैंने कहा यार मैं तुम्हें गाड़ी लेने वाला लग रहा हूँ। इसने सोचा कि ये शॉप का ओनर होगा, मैं भी अब मैं तो यही मानूंगा अच्छे कपड़े पहने हैं यार, मतलब ठीक है गाड़ी धोने वाले लोग ही होते हैं, मैं नहीं कह रहा, बट निक्कर में थोड़ी ना हूँ यार मैं। सो इट्स डन, गाड़ी धुल चुकी है, अभी गाड़ी मोड़ेंगे शहर की तरफ, चलेंगे व्हील अलाइनमेंट्स करवाने, क्योंकि जब से मैं घर से आया हूँ तब से मैंने ना गाड़ी के व्हील अलाइन नहीं करवाया हूँ, और अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अलाइनमेंट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाड़ी की, क्योंकि जो इतने महंगे महंगे टायर डलवाए होते हैं ना, अगर जस्ट इन केस अगर थोड़ी बहुत भी अलाइनमेंट आउट हुई तो टायर ख़त्म। पिछली बार हुआ इसके साथ, थोड़ी सी अलाइनमेंट आउट हुई गाड़ी की और एक साइड के दोनों टायर टोटली ख़त्म हो गए, मतलब विद इन 400-500 किलोमीटर
वो घर पे पापा ने चेक नहीं किया होगा या दोस्त दोस्त चलाते रहे मेरे और टायर खत्म बिल्कुल। देखो जरा चमचमाती हुई, आज तो पूरी जहर लग रही है, है ना? पूरी शाइन दे। सो एक काम तो गया हो, कार की अलाइनमेंट तो करवा ली है लेकिन मुझे ना थोड़ा ऐसा लग रहा है हिसाब किताब इसके वाला, वैसे देसी सा लगा मुझे सिस्टम। उसके पास कर तो दी उसने जुगाड़ जुगुड़ करके, उसके पास प्रॉपर इक्विपमेंट थे ही नहीं और मोस्टली आज संडे तो बंद थे। चलो फेंक दो कवर। अरे वाह बड़े कैच। तो राजा हम आ गए हैं, महाराज आए हैं महाराज, अब देखना मेरा कैसे स्वागत किया जाएगा। रुको जरा, स्वागत किया जाए, स्वागत किया जाए महाराज का। कहाँ है मेरी बेटी? अरे मेरी बेटी इधर है। पूरे दिन कार्टून देखते रहते हो, कैसे चलेगा ऐसे? ये क्या होता है? पूरा दिन कार्टून कौन देखता है? पूरा दिन कार्टून कौन देखता है? चलो आओ गुदगुदी खेलेंगे अब। इसको इस फोटो को खा जाओ। हाथ क्यों रखे? बहुत गुदगुदी होती है ना, बहुत गुदगुदी होती है ना। हाँ मारते हो पापा को? यार मुझे लगी है नींद कैडे वाली। कैडे समझते हो? हरियाणा वाले समझते हैं, भी समझते हैं पक्का। लेकिन अभी बच्चे बार बार बुला रहे हैं तो जाना पड़ेगा। काम जोरों शोरों पे चल रहा है, सब बच्चे लगे हुए हैं। मैं जो काम नहीं कर रहा बाकी सारे काम कर रहा है। देखो सारे लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखो काम में लगे हुए और आप कुछ नहीं कर रहे। आप भी कुछ करो। जो साइना नेहवाल को हराया था ना किसी ने, अगर सबसे जिंदगी में पहली बार तो इसने हराया था। ये है बहुत बड़ी खिलाड़ी। वाह क्या शॉट है गुगू, बहुत फिसड्डी खिलाड़ी है मम्मा। चलो मारो शॉट। बुमरा वर्सेस दीदी। बस इतना जोर है? लड़ते टाइम तो बहुत जोर लगाती हो। फालतू बके जा रहे हैं। तो यार दीदी आप देखिए गलत बक रहे हैं क्योंकि यहाँ धोनी खड़े हैं, ना बुमरा खड़े हैं। धोनी खड़े हैं, बुमरा खड़े हैं। आकाश चोपड़ा और संजय मांजरेकर क्यों लड़ रहे हैं आपस में? हाँ कुछ बताना चाह रहे हैं डुगू। सब झूठ है, सब झूठ है। गलत बताया ज्योतिषी जी, आपका ज्योतिष फेल हो गया है। आए खेल के पसीना निकाल के आ गए हैं हम। अरे ये बिंदी के साथ खेल रहे हैं। अरे हाय बिंदी वाली लड़की। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ऑयलिंग करेंगे एक दूसरे के सिर में। सिर में नहीं, मैं हमेशा करती हूँ, आप सिर्फ मुझे करोगे आज। अच्छा मेरे कौन करेगा? गुगू कर दोगे ना? हाँ कर दोगे। इसे हटा रही है, कह रही तू हट मत कर। देखना क्या चल रहा है इधर। आया पानी अंदर से। हेड मसाज करवा ली हमने तो, अभी गुगू की बारी। गुगू भी मसाज करवाएंगे और तो कर लो अभी। और ना आंखें ना ऐसे भारी भारी हो गई, नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। खाना तो मैंने खा ही लिया है, तो अभी मैं सोने जा रहा हूँ। और तुम भी अपने काम निपटा लो, जो करना करो, मुझे डिस्टर्ब मत करना। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय। बाय बाय। चल बाय।